33% आरक्षण जो बिल पास हुआ है उसको लागू किया जाए। अभी जब पीछे चुनाव हुए महिलाओं की आवाज पर विपक्ष के दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार में बिल तो पास कर दिया लेकिन उसके बाद इस पर कोई भी ना चर्चा हो रही है ना उन्होंने इसे लागू करने के लिए कोई भी गंभीरता दिखाई है। हम मांग करते हैं कि सदन में संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की जाए इसे लागू किया जाए और इसमें जो हमारी महिलाएं हैं ओबीसी महिलाएं पिछड़ी महिलाएं उनको भी शामिल किया जाए। हम चाहते हैं कि हर वर्ग जो गरीब और पिछड़ी महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमारा मानना है जब महिलाएं नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी होगी तभी हमारा जो समाज है वो सशक्त होगा। इसलिए हर वर्ग की जो हमारी महिलाएं हैं उनको पिछड़ी ओबीसी सबको आरक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। हम पुरजोर मांग करते हैं अभी 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा महाराष्ट्र झारखंड और जम्मू कश्मीर। हमारी मांग है कि इसे तुरंत लागू किया जाए ताकि महिलाओं को भी एक मौका मिले कि वो महिलाओं की समस्याओं को महिलाओं से संबंधित जितने भी मामले हो उन पर सदन में नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी जो है वो हो सके। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र इसे लागू किया जाए। और दूसरी हमारी जो मांग है आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव आते हैं वो महिलाओं के हितेशी बनने का दावा करती है और चुनावी लोक लुभावन वादे करते हैं लेकिन धरातल पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। हमारी मांग है कि महिलाओं को महंगाई से निजात मिलनी चाहिए। चुनाव के समय उन्होंने कहा था आप देख रहे हैं कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। यही भारतीय जनता पार्टी थी यही केंद्र की सरकार थी इन्होंने क्या कहा था कि हम लोग सिलेंडर जो है वो 500 रुपए का देंगे। चुनाव खत्म हुए उसके बाद ये लोग अपनी बात से पलट गए। महिला कांग्रेस की मांग है कि महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महालक्ष्मी योजना जो हमारे मैनिफेस्टो में भी था। कांग्रेस चाहती है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हर साल महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए डाले जाए या हर महीने 8500 रुपए गरीब महिलाओं के खाते में डाले जाएं क्योंकि देखा गया है कि आर्थिक तंगी भी घर में घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। इसलिए हम लोग केंद्र की सरकार से मांग करना चाहते हैं कि महिलाओं के खाते में सीधे जो है वो 8500 रुपए डाले जाए और जो बढ़ते दाम है आटा दाल चावल सब्जी सिलेंडर के दाम इन सब में कटौती की जाए ताकि महिलाएं अपना जीवन यापन जो है वो सही तरीके से कर सके। ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है। और हमारी जो तीसरी मांग है जिसका दावा जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बड़ा कहती रहती है बहुत हुआ नारी पे अत्याचार
अब की बार हमारी सरकार इतने झूठे वादे करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि महिलाओं की हालत देश में दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है और महिलाओं के प्रति जो हिंसा बढ़ती जा रही है उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करना भी केंद्र की सरकार का काम है। आपने देखा होगा अभी मध्य प्रदेश में जहां पर ये इन्होंने बड़े जोर शोर से कहते थे कि हमने लाडली योजना चलाई है, उसी मध्य प्रदेश की बात कही मैं कहना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि शायद इतिहास में पहली बार हुआ कि महिलाओं को जमीन में गाड़ दिया गया। ये वही प्रदेश है जो बहुत ही महिला होने का लाडली बहना का बहुत जोर शोर से वो प्रचार कर रहे थे। और इसी तरह महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि वहां पर एक युवा युवती के साथ बलात्कार हुआ लेकिन उस महिला को न्याय नहीं मिला। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, नेत्रियां हैं, किसी ने भी इन विषयों पर लेकर महिलाओं के खिलाफ जो हिंसात्मक हिंसा हो रही है उसके खिलाफ किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, तो ये उनके दोहरे चरित्र को दिखाती है। ये बहुत ही शर्मनाक है। इन घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए उतना ही कम है। ये हमारी तीसरी जो है वो सबसे बड़ी मांग है और आने वाले समय में हमारी जो महिला कांग्रेस है 29 तारीख को पूरे भारतवर्ष में इन इशू को लेकर, महिला आरक्षण को लेकर, महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा को लेकर जंतर मंतर पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी अलका लांबा जी के नेतृत्व में पूरे देश की महिलाएं वहां पर सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन करने जा रही है और हिमाचल प्रदेश की महिलाएं भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है वो चाहे महिला सुरक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर या फिर 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए उन पर मौन धारण किए हुए बैठी हुई है। और सरकार से हम मांग करते हैं कि तुरंत जो हमने यहाँ पर मांग उठाई है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको लागू किया जाए ताकि नीति निर्धारण में महिलाओं का योगदान रहे और महिलाएं सदन में बैठकर महिलाओं की आवाज को बुलंदी से उठा सके। और आर्थिक रूप से जब महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा पूरा समाज भी सशक्त होगा। हम आज यही कहना चाहते हैं और यही हमारी आज की प्रेस वार्ता का विषय है। आप महिलाओं के लिए 8500 रुपए महीने की मांग कर रही हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र था, लेकिन जब कांग्रेस शासित सरकारें हैं जैसे हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ आप मांग करेंगी कि राज्य सरकारें। देखिए केंद्र में नीति निर्धारण होता है तो केंद्र सरकार से हमारी मांग रहेगी, जब केंद्र सरकार इनको लागू करेगी तो उसका लाभ तो सभी जगह मिलेगा। हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने तो महिलाओं को लेकर बहुत ठोस कदम उठाए और उनको इम्प्लीमेंट भी किया है। जो मंडी से सांसद है कंगना रावत, उन्होंने कल एक बयान दिया है कि हिमाचल में प्रदेश में आपदा आई है और अभी तक जो है आपदा से निकल नहीं पाया और उसका जो मूल कारण है वो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं और कांग्रेस सरकार की सोच है, अभी तक जो बन नहीं पाया। एक मैं कहना उनकी बात का मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, माननीय सांसद है लेकिन वो संसद में जाकर शपथ लेकर वो बैठी है, लेकिन आपने चुनाव के समय देखा होगा उनके जो बयान थे कि हमारा देश 2014 में आजाद हुआ, हमारे सैनिकों के बारे में उन्होंने क्या कहा, तो वो सीरियस नहीं है, वो गंभीर नहीं है, वो गंभीर नहीं है। मैं आज अब यहाँ से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ वो महिला सुरक्षा पे वो क्या कर रही है, रीवा में जो महिलाओं को जिंदा गाड़ा गया
उसके बारे में कंगना रनौत जी का क्या विचार है? क्या एक शब्द उन्होंने कहा? वो संसद में बैठी है, संसद में आवाज क्यों नहीं उठाती? उठाए ना आवाज महिला सुरक्षा पर। क्या कह रही है वो महिला सुरक्षा पर? क्यों नहीं वो महंगाई के बारे में मुंह खोलती है? तो ये जो इनकी जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। वो संसद में है, वो आवाज उठाए कि हिमाचल प्रदेश को जो इतनी आपदा से हम लोग जूझ रहे हैं, वो आवाज उठाकर कहे कि यहाँ पर पैकेज दिया जाए, तब तो मैं मानू। केवल भाषणबाजी से और जुमलेबाजी से काम नहीं होने वाला है। हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत क्रुद्ध है और वो सब कुछ जानती है, समझती है।